नमस्ते दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप सभी कुछ है। आज की वीडियो है उनके गोल, उनकी सोच कितनी स्ट्रांग है, कितना उसके पीछे पड़ जाता है। बात करते हैं उसके पीछे, ऐसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आ रही थी ये सोच सोच के। अच्छा मैं कह रही हूँ, मैं लक्ष्य भी जाऊँगी, मैं गोवा जाऊँगी, मैं कैनेडा पूरा घूमूंगी, लिस्ट बना लें, हैदराबाद जाऊँगी, मैं बैंगलोर जाऊँगी। अच्छा मैंने सब कुछ खुद ब खुद दिमाग में आना शुरू हो गया। मैंने कहा बस मैं किसी ने डिसाइड कर दिया और मैं तो फैल गई। तो आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज तक आपने अपनी जिंदगी की हर एक दिवाली शायद अपने घर पर ही बनाई होगी। मैं खुद पिछले 24 साल से अपनी सारी दिवालियाँ घर पर ही बना रहा हूँ। पर भैया एक ही तो जिंदगी है, अगर अब ये सब दुनिया नहीं देखी तो कब देखेंगे। तो इस बार आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में दिवाली कैसे मनाई जाती है। और दिवाली के इस शुभ अवसर पर यहाँ पे होने जा रहा है कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत लाजवाब। जानने के लिए कि क्या होने वाला है आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। चलिए पहुँच जाते हैं सबसे पहले अयोध्या नगरी और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बता देता हूँ यहाँ क्यों आया हूँ मैं और यहाँ पे क्या होने वाला है। यूपी गवर्नमेंट पिछले 4 साल से यहाँ अयोध्या में दिए जला के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से मेरा एक अलग रिश्ता है। खैर उसको छोड़ो। तो इस बार ये लोग अपना पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ के जो 6 लाख दियों का था, इस साल 9 लाख दीपक जला के एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहे हैं। और यही नहीं, कार्यक्रम में और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि ड्रोन शो, साउंड एंड लाइट शो और एक लेजर शो होगा। तो कुल मिला के यहाँ बहुत कुछ होने वाला है एंड मैं आपको इस वीडियो
भैया अगर आप दिवाली पे अयोध्या में हैं तो दिवाली मनाने का इससे बेटर तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। इट्स मैजिकल, मतलब एक अलग ही वाइब है जो बहुत ज्यादा सही लग रही है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे दैट वन लाइफ इज ऑल यू हैव, उस दिन यू विल स्टार्ट अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ। तो मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि आखिर अयोध्या का इतना इम्पोर्टेंस है क्यों, क्यों यहाँ पे इतना सब कुछ होने लग रहा है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट, अगर आप ये नहीं जानते हैं, मोस्टली तो शायद आप जानते होंगे बट जस्ट इन केस अगर आप नहीं जानते हैं तो हेयर इट इज इन वेरी वेरी शॉर्ट। ओके, आप ये तो जानते ही होंगे कि रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। तो जिस दिन राम जी ने रावण का वध किया था वो दिन जाना जाता है दशहरा के नाम से। और 20 दिन बाद जब राम जी सीता माता को लेकर वापस अपने घर अयोध्या पहुंचे थे वो दिन हम सब जानते हैं दिवाली के नाम से। तो क्योंकि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि और उनका घर भी है, इसीलिए इस जगह का बहुत ज्यादा महत्व है। इनफैक्ट जो पूरी रामायण है वो पूरी अयोध्या के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है एंड इट लुक्स सो प्रिटी। What up you guys? Finally, the day is here. जब जो मेन इवेंट अटेंड करने का टाइम आ चुका है जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। So heading. एक ही वॉलंटियर पहुंच गए, जैसे वहां से इंस्ट्रक्शन आएगा ये सब लोग ये दिए जलाने शुरू कर देंगे। और सभी आप ये जलाना प्रारंभ कर दीजिए। और सभी से
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लाइट एंड साउंड शो। Lastly, the fireworks. This was the end of it, and I mean, जो मैंने देखा है, I can't even tell you it what I saw. So absolutely crazy. Never seen anything like that, and I don't think मैं ऐसा कहीं और कुछ देखूंगा. दिवाली इससे better, I don't think कहीं और हो सकती है. पिछले दो तीन दिनों से बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो रही है, and मुझे नहीं पता था कि how good or bad it will be. So really, really grateful for being able to see this event. अपनी आंखों से कुछ देखना, मैं पिछले एक साल से प्लान कर रहा था कि मैं काश यहाँ आ पाऊँ, एंड फाइनली इट हैपेंड. यही तो है वो वन लाइफ कैन टॉक अबाउट, एंड द डे यू स्टार्ट बिलीविंग दैट वन लाइफ इज ऑल यू हैव, दीज काइंड ऑफ इवेंट्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ. रिमेंबर टू जस्ट डू यू, बिकॉज जस्ट इट्स जस्ट अमेजिंग एंड यू गोना लव इट. जनाब बहुत 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 ही बढ़िया. सबसे खास बात इस व्लॉग की ये थी कि ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड खुद थे, बहुत ज्यादा. उन्होंने कहा 24 साल तक मैंने जो भी दिवाली है वो घर में मनाई है, और हम में से अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि घर में ही चरागा कर लिया, घर में ही सजा लिया, लाइटिंग्स कर ली. लेकिन मैं पहली बार बाहर आया हूँ, और इस इवेंट को देखने के बाद मैं आप सबसे कहूँगा कि लाइफ में एक बार तो आप लोगों ने आना है और इस इवेंट को इन्जॉय करना है. अच्छा, चराग जब आप जलाते हैं, और तो मैंने देखा उसकी एक लाइटिंग, उसकी लाइट्स अलग ही हैं, और जो इन्होंने वहाँ मौजूद होकर वो मंजर देखा होगा, आप यकीन करें वीडियो में हमें 50% भी नहीं आइडिया होगा. बिल्कुल ऐसे ही, इतना हसीन लग रहा होगा, मतलब हसीन वर्ड भी मुझे छोटा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा होगा, इतना अमेजिंग लग रहा होगा कि मैं क्या बताऊँ. मुझे देख कर इतनी एक्साइटमेंट हो रही है यार कि कैसे किया होगा. अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया साथ साथ. बिल्कुल. अच्छा, पिछला ही अपना ही रिकॉर्ड टूटा है. हाँ. अच्छा, चिराग जो है ना, इसकी एक अपनी एक मतलब है कि नेचुरल चीज़ों से जो चीज़ें होती है ना, तो उसको पता नहीं क्या है, इंसान की फितरत से जुड़ती हैं. अच्छा, इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा बात को समझिएगा. हाँ. बहुत सारी लाइटिंग बिछा दी जाती नहीं है, आता मसाला. और एक बटन जलता टक रोशनी हो जाती, इससे ज़्यादा ज़्यादा रोशनी होती है, मिसाल दे रहा हूँ. हाँ. और अच्छा, ये चीज़ें मिट्टी के दिए, उसके अंदर ऑयल उसको जलाना, तो उस वो पूरे जब जलते हुए दिख रहे हैं तो उसकी फीलिंग कितनी ज़बरदस्त आती है. तो इसकी क्या लॉजिक, क्या समझ आ रही है आपको? हम जुड़ते हैं. क्यों क्यों इसकी फीलिंग मुझे ऐसा लग रही है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक होती है आर्टिफिशियल, एक है कुदरती नेचुरली, मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के दिए हैं, फिर उसमें ऑयल है, फिर वो बहुत पहले आबाओ अजदाद घरों में जलाते थे. कहीं ना कहीं हमारे जहनों में कहीं ना कहीं एक चीज़ नस्ल दर नस्ल जो चलती है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में इंसान की फितरत जो है वो नेचर से ज़्यादा जुड़ती है. अच्छा, नेचुरल चीज़ों से. एक चीज़ और भी नोटिस की, इन चरागों की रोशनी को देखते हैं हम नॉर्मली कोई बल्ब है या बहुत सारी लाइटिंग्स की तरफ देखते हैं तो हमारी आँखों में मसला होता है. सही. मुझसे पता नहीं क्यों, हो सकता है आईसाइट का प्रॉब्लम या कुछ ऐसा हो, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं देख पाती हूँ. और अक्सर लोगों को भी मैं देखती हूँ कि उनको बहुत बुरा लग रहा होता है, इतनी लाइटिंग्स आँखों में चुभ रही है, अक्सर लोग बोलते हैं. तो मैं ये देखती थी चराग बेतहाशा थे, लेकिन इनकी लाइट्स आपको चुभना तो छोड़े, आपको और मुसर्रत दे रही थी, आपको और खुशी का एहसास हो रहा था, आपको अच्छा फील हो रहा था. तो मुझे ऐसा लगता है जो भी नेचुरल चीज़ें जो बना ली हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, इजादात थे और वो ज़रूरी भी है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें नेचुरल ही हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं सुकून छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं इत्मीनान, कहीं ना कहीं खुशी और मुसर्रत है. और इंसान की बॉडी, इंसान की आँखों, इंसान के दिमाग से ज़्यादा सूट करता है. अच्छा, एक चीज़ है इस वीडियो से मुझे ये लगा कि
जितने भी इंडियंस हैं जब भी दिवाली होती है तो सबकी कोशिश होती है कि हम अयोध्या ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा इवेंट होता है दिवाली का। आप देखें, अच्छा हमने अलग से वीडियो देखी हुई थी इसकी, लाइट शो की, सेम ही था और फायरवर्क भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि और भी वाली बात थे और भी नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने फिर जब आखिर में लिख दिया कि लिंक है, अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये बाकी खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, यही हमने पहला व्लॉग देखा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो लोग ज़्यादातर इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स में नहीं जाते तो गाइस के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की जिन्होंने आज तक अयोध्या का इस तरह का इवेंट नहीं देखा होगा रियल में, वीडियोज़ में, न्यूज़ में तो सबने देखा होगा, व्लॉग्स में, ठीक है, अब रियल में जो अपनी आँखों से जाके बंदा देखता है। अच्छा आपको बहुत सारे दिए जले हैं और बहुत सारे दिए जलने का रिकॉर्ड बने, उसमें से 8-10 दिए आपने जलाए, कितना खुशी हो, मतलब आपको तो कोई भी शक नहीं है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल रंगारंग वीडियो, और इस शख्स का प्योर तरीके से बताना, खुशी से बताना बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड भी थे। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से जिसने ये अयोध्या का इवेंट लाइव देखा है, अपनी आँखों से देखा है, सच में देखा है, खुद जाके देखा है, हमें कॉमेंट के जरिए ज़रूर बताएँ। दोबारा किसी और मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।